गुरु गरीब बनवा श्री गुरुदास जी महाराज गुरु ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆ
ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਿਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
ਅਸਤ ਸਾਸਿਤ ਕਰਤ ਲੈ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣਤ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਮੈਲੇ ਹੋ
हम मैले तुम उज्जल करता सर खलाजा दाता। महाराज जी कहते जो सतगुरु जी का ज्ञान आ जाए विद्या बंदे नु आ जाए नीवे भी उच्चे हो जाते। गज के बोलो जय गुरुदेव। ऐसे करके जे अज भाई साडा मित्र बाबा साहब जी की कृपा के ऑफिसर लग गया एमएलए बन गया लोग हाथ मिला रहे हैं कोई हक ने इन्हों तो लोग करते कदम पिटे ला जाइए। गज के बोलो जय गुरुदेव। धरती कृपा बाबा साहब जी ने बड़ा की तेरे हाथ में कलम जेडे लोग तेरे को डरते ने कहते लोग तेरे को आके बैठणगे एडी पावर दे दी एडी पावर बाबा साहब जी ने दिती सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिती और जिस औरत पैर दे जुत्ती कहते ग्रंथा में लिखा गया ग्रंथा च लिखा गया कुछ कुछ मनुवादी सोचते जेडे लोग सी लिखते सी औरत है पैर दे जुत्ती पर बाबा साहब जी की कहते सी जिस नूं तुसी पैर की जुत्ती कहने हो मैं उसनो इस देश का शासन सौंप के जाना है इस देश की इस देश का ताज उस औरत के सिर से रख के जाना है। कुछ ग्रंथ कहते पैर की जुत्ती है ढोर गवार शूदर और नारी जिम सब ताड़न के अधिकारी पर जिन्ना अच सौरत को पैर की जुत्ती कहा गया मेरे बाबा साहब जी ने उसको सिर सिर नारी को सिर का ताज बना दिता पैर की जुत्ती इस देश का एक महान मेन पलट बना दिता। ऐसे करके साडे ते कृपा हुई है बोलो साडे जेडे हथा तो कहते लोग डरते बाबा साहब जी की कृपा के नाल उन्होंने हथा लोग आजा के आप लगा बोलो साडे गज बाबा साहब जी की कृपा नाल गुरु रविदास महाराज की कृपा नाल बोलियो दुनिया विच कोई रसा दुनिया विच कोई रसा लखा पुत्र जमने
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
सतगुरु जी ने और बाबा साहब जी ने तो सीधे रस्ते दसे है, चलना तू है, चलना तू है। हुण जे कदों आपां आउंदे आउंदे रस्ता भटक जाइए, अगला थोड़ा कहेगा भी मैं तेरे नाल चलना जे तैनूं छड, अगला कहेगा भी चल 2 किलोमीटर तेरे नाल चल पैना। हुण जाना आपां 100 किलोमीटर है, अगला थोड़ा कहेगा भी मैं 100 किलोमीटर अगे अगे चलना तू मेरे मगर मगर आ। अगला कहेगा भी इत्थों खब्बे नूं मुड़ जा, मैं तैनूं मेन रोड दस दिंदा, अगे चलिया जाई मंजिल ते कर पहुंच पाउंदा। यही सतगुरु जी रस्ता दसदे आ मंजिल ते कर पहुंचण दा। और रस्ता असी सिलेक्ट करना प्यारे भी सतगुरु जी वाला पकड़ना है या अपना पकड़ना है। महाराज जी ने ते वचन कर दिता है, श्री लाल खुद बिन कौन करे, गरीब नवाज को संजा मेरा माथे छतर करे। असल विच सानू गलत समझाया गया है, गलत दसिया गया है कि रब है कि बाहर है, जे कि मंदिर च रहिंदा है कि मस्जिद विच रहिंदा है। एक बंदे ने किसी नूं सवाल किया, रात लाभ और वचन कर रहे से, असीं भी सुन रहे सी, कहिंदे ऐ दस किसी बंदे नूं पुछिया कहिंदे रब वड्डा कि तू, बोलो भाई रब वड्डा क्या, तुसीं वड्डे हो कि रब वड्डा है, बोलो बोलो पहला रब रब रहिंदा कित्थे है, बोलो कित्थे रहिंदा, अंदर रहिंदा। जे रब वड्डा हुंदा फिर तुहाडे अंदर कित्थे आ सकदा, छोटी छोटी चीज वड्डी चीज तां नहीं आ सकदी, बोलो। असल विच प्यारिओ गल समझाया गया कि रब वड्डा है, वो है वड्डा, पर रब असल विच है की है, वो है तेरी पावर। रज के बोलो जय गुरुदेव। वो तेरी हिम्मत है, वो कुदरत बलिहारी कुदरत बसिया, बसदा तेरे एड़ गेड़े है, तेरे अंदर रहिंदा है। पर समझाया सानू गलत गया कि रब किते किते मंदिर च रहिंदा है, किते मस्जिद विच रहिंदा है। कोई ये थोड़ा भी स्पेशल कोई संत है ज्यादा उन्दे विच ही रहिंदा है, वो सब विच है, पर है कि असल विच वो है तेरी पावर, स्पिरिट है तेरा, जिहड़ा तैनू चंगा करन दा प्रेरणा दिंदा, तैनू चंगा बनन वास्ते कहिंदा, पर तू उहदी मनदा नहीं। रोड़ा इस करके है भी तू उहदी मनदा नहीं, इसे करके महाराज जी ने कहा कि ऐसी लाल कुदब लगाउण धरै, गरीब नवाज को संजा मेरा माथे छतर धरै। वो ऐ नहीं वेखदा भी गरीब है, ये बंदा आफिसर नहीं लग सकता, ये बंदा ते गरीब है आफिसर नहीं लग सकता, ये बंदा गरीब है पढ़ नहीं सकता, ये बंदा गरीब है खेती नहीं कर सकता। प्यारे हो वो तेरे अंदर है और तेनू कहिंदा है तू सब कुछ कर सकता है, पर करन वाला ना, वो कहिंदा है सब कुछ कर सकता है पर करन वाला बण। जे करन वाला बनेगा ता करेगा, जे करेगा बहानेबाजियां फिर नहीं होना, जे करेगा बहानेबाजियां फिर नहीं होना तेरे कुछ, फिर तू कुछ नहीं कर सकता। हुण वेखो कोई भी काम करदे आ, मतलब कि जाओ किसी दुकान ते आपां सौदा लैण चलिया जाई, छोटा जिहा एग्जाम्पल लईए, जे आपां करी जाइए लियावां कि ना लियावां, करां कि ना करां, रहण तों बाद जरूरत नहीं पक्के पुक्के दी, ठीक है काम इधर खड़का करेगा, खड़का ना बस इन्ना ख्याल रहन दे, छड्डो कोई इन्नी गर्मी वाली गल है तो सुनो प्यारे हो। असल में सानू गलत दसिया गया है भी रब कहते बाहर रहिंदा, बैठा तेरे अंदर है, वो सब विच है, पर तू दी गल सुनो तेनू कहिंदा कि असल विच असी गल दी सुनदे नहीं। और महाराज जी दा जिहड़ा वचन है, महाराज जी का जेड़ा वचन है, ऐसी लाल कुदबिन कौन करे, गरीब नवाज को संजा मेरा माथे छतर धरै। महाराज जी कहिंदे आ इहदे विच इक शब्द आया गरीब, इत्थे अमीर भी लिखिया जा सकदा, पर महाराज जी ने कहा लिखिया गरीब, क्यों लिखिया, क्यों लिखिया, महाराज जी ने गरीब ता लिखिया ताकि गरीब दे मन विच इह ना रवे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अज के बोलो जय गुरुदेव। गरीब के मन में कदे ना होवे भी उन्दे ते रब दी ज्यादा कृपा और मेरे ते रब दी कृपा घट है। महाराज जी कहते जाति सोच जगत को लागे तापर तुई तरह, मैं वेखिया
अपनी हिम्मत नू तेरे जज्बे नू वेखिया है तेरे रुतबे नू तेरी मजबूती नू मैं वेखिया है तू उन्हां लोकां नू जिन्हां दी लोक जिन्हां दी पिट तों भी लोक डरदे सी उन्हां लोकां नू राज दे सपने दिखला दित्ते गज के बोलो जय गुरु देव गुरदेव मैं वेखिया तेरी हिम्मत नू तेरे जज्बे नू भी जिहड़े गरीब लोग सी जिन्हां नू लोक जिन्हां नू लोक तगड़े लोग घर नहीं सी वड़न दिंदे आण नहीं सी दिंदे जिन्हां तों लोक नफरत करदे सी उन्हां लोकां नू तू उच्चा कर दिता उन्हां लोकां नू तू उच्चा कर दिता बराबर दा कर दिता और एक गल समझी बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने गज के बोलो जय गुरुदेव बाबा साहब जी ने समझ लिया कि असल रब है की और है कित्थे आ उन्होंने कहा मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान गुरबाणी के इस गल समझिया भी अपने आप नू पहचान अपने आप नू ताकतवर बना अपने आप नू तैयार कर असल रब तेरे अंदर उन्हूं तैयार कर जे करेगा बहानेबाजियां फिर नहीं कृपा होनी जे बहानेबाजियां करदा रहेगा फिर कृपा नहीं हो सकती वो कहता है जे ओदी सुनेगा वो कहेगा कर सकता है सब कुछ कर सकता है पर करन वाला बन बहानेबाजियां ना कर।